अनदर रैंडम डे इन ब्रैम्पटन एंड वी आर हेडिंग बैक टू होम। एंड देख लो जी कितनी की स्नो पैगी है, मतलब देर मतलब दो दिन पहला 13 degrees प्लस का सीगा, हुण हालत देख लो साडी एडी भारी स्नो। तो सवेर की स्नो स्टॉर्म हो ही जा रही है, तुसी कैमरे भी देख सकते हो, बसों का डिले चल रहा है, हाथ मेरे ठर गए ने, सो दैट्स व्हाट हैपनिंग। ठीक है जी, सो मैं क्या चलो आपको एक अपडेट दे दिए, मिलते हैं। एक्चुअली जी सारी बसा नॉट इन सर्विस हो गई ने, इतनी देर हवा चल रही है, मैं मतलब बहुत ही औखा वॉक बना रहा हूँ। स्नो स्टॉर्म चलती है ब्रैम्पटन च, वार्निंग सी कल राती दी, सारिया ही बसा नॉट इन सर्विस हो गई ने, बुरा हाल होया घर जाने का कोई था नहीं है। तो उबर आप चैक की है, तुम दसदा मैं उबर चेक की, उबर आई $45 की मजा भी आ रहा है गाइस देख स्नो न। गलबात पूरी हो रखी है, देखो हाल की बुरा हो रखा हर जगह का, बर्फ बर्फ हो ही पी है, पर इट्स फन। सो घर आ गए हैं, स्नो की हालत देखो, रुक तो ऑब्वियसली अभी भी नहीं रही, यहाँ पे भी बिकॉज रेजिडेंशियल एरिया है कोई जल्दी आता भी नहीं है मशीन वगैरह साफ करने के लिए, यहाँ पे तो बिल्कुल स्नो ही स्नो ही पाई है। बाकी यही हाल है जी, अभी आज ब्रैम्पटन का इस वीक फिलहाल आज के दिन तो यही ख़त्म कर रहे हैं। इस क्लिप्स को मैं किसी किसी ब्लॉग में यूज़ करूँगा, आप देख रहे होंगे आउट ऑफ नो वेयर फेब्रुअरी एंड चल रहा है बट बर्फ आ गई है, बट जो भी है नज़ारा बहुत प्यारा है जी। चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। देखो भाई इस दरवाजे से यहाँ तक आ रखी है बर्फ, मैं इसको खोलूँगा आप ये हालत देखो ज़रा, ये बर्फ इकट्ठी हुई है, ये सारी बर्फ है। अंदर चलते हैं और देख रहे हो फोकस हो जाओ भाई। The next day. हाँ जी गाइस, सो हुणे तुसीं देखिया साढ़े अपना काम ते एक भाजी का सीगा बर्थडे, तो आप बर्थडे मनाया, तो इतने देखो मैं बस स्टॉप पर जाने वास्ते सड़क क्रॉस करने वास्ते खड़ा, तो पहाड़ क्रॉस करने पै रहे हैं मैंने, बाद देखो जी पहाड़ बने पे ने पूरे, तो पिछों लंघना पैना सानू उधर तक जाना, उत्थे भी पहाड़ बने पे ने। देखो जी कल जी स्नो सी वो सी स्नो, हुण हो गया स्नो का ब्लैक, स्नो ब्लैक आइस कहिंदे वैसे। तो देखो पहला दिन तो स्नो बहुत वधिया लगती है, हुण तो यह वाली चीज़ बड़ी परेशान करती है, लाइक दिस थिंग इज अडोरेबल कि वधिया, मतलब पाउडर स्नो है ना इत्थे घूम जाओ अंदर आराम, बट वो वाली नाल बहुत ज़्यादा मतलब औखा लगता है। इत्थे भी देखो पहाड़ इकट्ठा किया हुआ, सो फिलहाल दिस इज द हाल चाल ऑफ द स्नो। हुण आपां बस की वेट करांगे इत्थे ते फिर चलांगे घरे नूं, दिस इज द सेकंड डे बाय द वे। ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਬਲੌਗ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਗਾਈਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਾਈਸ ਅਨਦਰ ਡੇ ਐਂਡ ਅੱਜ ਵਿੰਟਰ ਸਟੋਰਮ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਸਟੋਰਮ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਾਈਸ। ਆਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਦਾ ਹਾਲ, बहुत ज़्यादा स्नो, मतलब तुसी देख सकते हो कितने तुम लग रही रोड है, इट्स ऑल वाइट, इट्स ऑल फीलिंग सो गुड। एंड हाँ देखो जी पूरा गलबात हो रही है, इतने तुम दो मिनट होर दिखाने, आ देखो अपना स्नो ही स्नो हुई पई है, मैं तुम्हें दस नहीं सकता मैं किदा बना रहा हाँ, दिख तो रहा है भाई बट बहुत ही मुश्किल हो रखे है इतने हालात। देखो साड़ा हाल देखो, असं देख भी नहीं सकते इन्ना बुरा हाल है, पूरा किला हो चुका है, स्नो स्टॉर्म हो रही है घट्टो घट 4 घंटे तो, राती पूरी होनी है अजे, तो आ देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा स्नो इकट्ठी हो गई है।
ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੀ ਆ ਰਹੇ ਮਜੇ ਬਰੋ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ। ਆਹ ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਈਟ, ਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। ਚਲੋ ਆ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਨੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਬਣਾਓ, ਵਲੌਗ ਕੇ ਲਈ ਬਣਾਏਗੇ ਹਮ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਯਾਰ। ਅਬ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਗਰਾਜ ਖੋਲਾ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਦੇਖੋ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਬਰਫ਼ ਪੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੇ ਅਬਵ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਯੇ ਗਰਾਊਂਡ ਯਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਤਨੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਚੌਕਸ ਹੈ ਰਹਾ ਹੈ ਯੇ ਦੇਖੋ। ਕਰ ਦੋ ਉੱਪਰ, ਕਰ ਦੋ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ। ਯੇ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ, ਬਾਤਚੀਤ ਹੈ, ਸਨੋਫਾਲ ਹੀ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਈ ਪੜੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਸਨੋ ਦੇਖ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਹਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਰੀਲਾਂ ਸ਼ੂਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਲੌਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬ੍ਰੋ? ਹਾਂ ਸੋਰਟਡ ਸੀ ਨਾ ਗਾਇਸ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਰਜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਬਰਫ਼ ਬਰਫ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਫੀਲਸ ਗਾਇਸ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਫਰੰਟ ਪੂਰੀ ਡਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਨੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਡੀ। ਆਓ ਜੀ, ਸੋ ਗੱਡੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀਟ ਹੂਟ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜੀ ਗਾਇਸ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮ ਗਰਮ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਲੈਟਸ ਗੋ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਨੋ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਓਨਲੀ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੰਡ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਓਕੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਟਿੰਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗਾਇਸ। ਲੈਟਸ ਗੋ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਨੋ ਸਨੋ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬ੍ਰੋ, ਆਰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੀ ਚਾਰਜਰ, ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਾਰਜਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਪੂਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹੈਲਕੈਟ ਹੁਲਕੈਟ ਲਿਓ, ਏਦਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਲਾਸੇ ਪਲੂਸੇ ਅੰਦਰ, ਹੈਲਕੈਟ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਲ ਬਟਨ ਤੇ ਨੱਪ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਭਰ ਦਿਓ ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ, ਓਕੇ ਗਾਇਸ। ਲਿਖੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਈਟ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਟਰੂਡੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਨ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਲਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਟਰੂਡੋ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਕੜਾਂ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟਰਗਲ, ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਓਏ 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 ਓਏ, ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਨੋ ਹੈ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਸਣੀ ਆ ਗੱਡੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਅਕਸ਼ਤ ਦਾ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗਾਇਸ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ।
देखो बहुत बुरा हाल है, एक और गड्डी फस गई इतने, मुंडा हुण दूजिया की कढ़ाण वास्ते, वो दूजी मुंडे की कढ़ाण वास्ते आ गया मुंडा, कहता हेल्प करूंगा आंटी की भी, आंटी की गड्डी भी फस गई है। हाय हाय बहुत ही बुरा हाल है गाइस, हैप्पी व्लॉगर ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। फेमियन ये की करी जिंदगी च, आंटी लोग गड्डी 4x4 ले आंटी, आंटी जी 4x4 चको गड्डी, हाँ देखो आप बस च बह गए फाइनली। इतना प्यारा बस ऑपरेटर से सू ने टाइम भी नहीं कराया, क्या फ्रीज पढ़ दो तो मजा ही आ गया जिंदगी का, बस का नज़ारे लै रहे हैं आप, बहुत स्लो चल रहे। अच्छा चलो पहुँचते हैं घर, बस च बैठे थे हूँ आप उधर आ गए हैं, आ गया जाके अब बस भी फस गई है, बंदा चलाए एक बार होर पता लगे थानू, पूरी फरी फुल पई है, बाकी साडे प्लान चेंज हो गए हैं तो आप कितने होर जा रहे हैं, बट बस की हालत बहुत बुरी हो गई है, आ चेक करो ऐसे फसी पई है बस बेचारी, भाजी रेस्क्यू करन आ गए ने वापसी, गलबात भाजी खिंच के रखी पूरी, आ देखो बस अजे भी फसी पई है, वो पूरी कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं रहा कुछ, पुलिस की भी गड्डी फस गई है देखो, रस्ता बंद किया, रस्ता ही बंद कर रहे लगे, मैं रस्ता बंद किया, अगे देखो ना अगे कुत्ते जान लगे हुआ पूरा, उन्होंने रस्ता बंद किया, रस्ता बंद किया, ये बहुत ही बुरा हाल हो गया किस गड्डी ना, अब इधर इतने गड्डी की चलाओगे, की चलाओगे, और ट्रक वाले ने साफ साफ की थी नहीं ना सही, राइट साइड में चली गया, हां जी हां जी हां जी, और जड़ी जड़ी गड्डी जाएगी वो और ही रास्ता खराब करेगी, हां अच्छा मुश्किल है गड्डी का निकलना, बहुत ही ज्यादा, एक और गड्डी आप स्पॉट की थी रास्ते से बहुत निकल गई है, बड़ा आप देख नहीं पाए वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, ये गलत कर रहे हो, तुम आगे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, पीछे की वजह से लेके आ रहे हो, ऑर्डर ऑर्डर करते हैं फिर देख रहे हैं की करना है ना, मेन्यू इन्होंने खोल लिया फोन से, खाना खुना आएगा तो फिर दस दिया जी, हम मैंगो शेक भी आ गया तो बाकी हम सा खाना भी आ गया, आ जाओ, थैंक यू सो मच जी, आ गए जी, आ लो जी तो गार्लिक नान आ गया, मैं बटर नान आ गया, ओके ओके थैंक यू, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, खाना खुना करते हैं देख लें, ठंडी आ गई, ओके थैंक यू, गिलास दे दो एक्स्ट्रा बस, बारों पाला कोई चक्कर नहीं, बार आई सी आई सोई पई है तो हूँ खा पी के मिलते हैं तुम, है ओके एयरपोर्ट, घर आ गए हैं तो कोई हजे तक बाहर नहीं निकले साढ़े घरों, तो हम मैं पहली बार जा रहा, तो देखो जी अज तुम दसते हैं आप, पै गई है जी 30 सेंटीमीटर की स्नो, इदा पैर रख रहे हैं पूरा अंदर जा रहा है, बुरा हाल होया पाया देखो, दिख भी नहीं रहा होना, वाइट वाइट ही होया पाया पूरा, बट बहुत ही बुरा हाल है इस, अजे तुम मैं दरवाजे का दिखाऊंगा, लो फ्लैश ऑन कर देना, देखो बस आप इदा पैर रख रहे हैं पूरा पहाड़ बनया पे, आ देखो इदा करके पैर रख रहे हैं पूरा अंदर जा चल गया है ना, तो 30 सेंटीमीटर तक दी स्नो, आ देखो मेरा पूरा पैर अंदर है, एडा बुरा हाल है, आ देखो बेसमेंट साड़ी पूरी ब्लॉक्ड है कि नहीं, तो दरवाजे के स्नो तो लुवट लगी हुई है, आप खोलेंगे तो मैं पता नहीं अद्धी स्नो तो अंदर ही गिर जानी है, हाँ ये नज़ारे चेक करियो गाइस, मैं आई विश मैं खराब ना करा इनू, देखो गाइस बड़ा बुरा हाल है गाइस, बाकी इतने दरवाजे का प्रिंट भी आ गया है सारी इस स्नो ही, जेकर इन मैं मारा पैर, लो जी सारी अंदर आ गई, तो दरवाजे करते हैं अजे बंद गई तो नहीं, तो आ सीगा जी अज्ज का हाल, बहुत ही बुरा हाल हो गया स्नो का,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਆਰੂਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਐਸ ਰਿਕੁਐਸਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।